क्या हुआ था, बिकॉज लाइफ हैपेंस और वो किसी के साथ भी हो सकता है. एंड आई एम श्योर आप अगर नहीं आई तो कुछ तो रहा होगी वजह आपकी. यस, एज यू नो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लाइक बिफोर द शो वी डिस्कस कुछ बैक इश्यू हो गया था. पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था कि हमारा लाइफ स्टाइल इतना बिजी लाइफ स्टाइल है एंड स्पेशली माई जॉब इज लाइक अ सिटिंग जॉब एंड कपल ऑफ थिंग्स दैट आई डिड रॉन्ग जो मैं आपको दैट बेसिकली कॉस्ट माई डिस्क टू डिस्प्लेस एंड आई हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट. वो डिस्कम्फर्ट इतना था कि एक के साथ दो, दो के साथ तीन, काफी इश्यूज कनेक्टेड होते हैं मिलते हैं आपको. हाँ जी, एंड ऐसे फील हो रहा था कभी ठीक ही नहीं होंगे. बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत हार्ड टाइम था, बट विद योगा मूव्स, लाइट एक्सरसाइजेस, आई रिकवर्ड एंड आई एम फीलिंग गुड नाउ एंड दैट्स व्हाई आई एम बैक. वेलकम, लाइक यू नो दैट्स सच अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक टू लाइफ. तो हम बात करेंगे आज कि अगर लाइफ हैपन हो जाती है कुछ आपको कोई गलत मूव करने से या बहुत आपकी काफ़ी समय से, जैसे पैम ऑफिस जॉब करती हैं या तो ऑफिस में जाके या घर में आप ऑफिस सेटअप करते हैं तो आप ऑफिस जॉब करते हैं. कहने का मतलब ये कि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका घंटों तक है, आप काम में इतना ज़्यादा होते हैं. मैंने देखा है जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो 8 की जगह 12 घंटे या फिर ज़्यादा घंटे भी काम करते हैं, तो उतनी देर तक वो स्टक हैं अपनी सीट पर. तो हम अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे मूव हैं जो आपको बैकएक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो शुरुआत हम एक रीकैप से करते हैं ब्रीदिंग की, जो हमने पहली बार भी बात करी. पैम का खुद का एक्सपीरियंस है ब्रेथ वर्क का, और मैं काफ़ी जब मैंने शुरू में किया था 17 साल पहले अपना वेट लॉस क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले, मैं अपना खुद का पहला पहला आप क्लाइंट कह दीजिए कि मैं खुद की का अपना मैंने कुछ शुरू किया. वेट लॉस ही करना था और कुछ नहीं करना था, बट उसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हटते हटते चली गई. जैसे पैम ने कहा कि एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ हैम्पर होता है, बाकी सारी चीज़ें और आ जाती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो उसके साथ 10 प्रॉब्लम ठीक भी होती हैं. तो एक रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि जब आप हमारा प्रोग्राम देख के योगा करें स्टूडियो में फ़ोन करें कि आपको कैसा लगा और आप रेगुलर कर रहे हैं. सिर्फ आपकी रेगुलरिटी हमें चाहिए जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. तो हम बात करते हैं ब्रेथ से, ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं. ब्रीदिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ रिमाइंड करना चाहते थे जो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ड है. एज मैंने आपको बताया कि डिस्क डिस्प्लेस हो गई थी. जैसे हम योगा भी करते हैं, दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं सो दैट जो किसी और को वो प्रॉब्लम ना आए. डेफिनेटली पहले हुआ था क्या था कि हमने हेड स्टैंड की प्रैक्टिस करी थी इकट्ठे, आपने मेरे को बताया था एंड आई वाज सो एक्साइटेड द फर्स्ट डे आई वाज एबल टू डू इट. क्योंकि पहले बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी तो मेरी खुद में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद से कर सकूं. बट जब दो बार हमने खुद से आपके साथ ट्राई किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमने इकट्ठे किया. तो घर पे तीन चार बार मैंने आपने मेरे को वार्म अप करके बताया था, एक टेक्निक बताई थी कि वार्म अप करके करना है. बट दो बार घर पे खुद से करने के बाद जो थर्ड टाइम मैंने किया तो मैंने वार्म अप नहीं किया. ठीक है, जब मैंने टू बी नोट यस जब मैंने वार्म अप नहीं किया, मैंने हेड स्टैंड किया तो काफ़ी सारा जो प्रेशर था ना वो मेरे हेड पे आ गया. एंड वो प्रेशर इंस्टेड ऑफ जो आपने बताया था कि बैलेंस होना चाहिए आपके हैंड्स और आपके हेड पे भी प्रेशर हो, तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था, आई गेस आई वॉज मिसिंग द पार्ट दैट आई वॉज मिसिंग वॉज माई हैंड्स और शोल्डर्स जिसपे प्रेशर आना चाहिए था, एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए था, वो नहीं था, वार्म अप मिसिंग था. उसके बाद से ही दो दिन बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू होगी और मेरा एक बैठने का स्टाइल, जब मैं घर से काम कर रही हूँ कंप्यूटर के आगे बैठी हूँ, पॉस्चर ठीक नहीं है. एक तो बहुत हेडेक्स भी हुई मुझे बाद में, उसका रीज़न हो सकता है कि मैं बहुत झुक के मेरा लैपटॉप और वी वर्नट अलाइंट, जो एक चीज़ वो थी अलाइनमेंट मिसिंग थी और बेड पे बैठ के काम करती थी. क्योंकि जो वर्क स्टेशन है माई सन वॉज यूजिंग इट, ठीक है, अपने स्कूल के लिए, और जो जब स्कूल से वापस आ जाता था तो टू प्ले गेम्स एंड स्टफ, राइट. सो माई पॉस्चर वॉज ऑलवेज लाइक आई एम सिंकिंग इन और बेड पे बैठ के किसी भी, बहुत ज़्यादा मेरी बैक पे प्रेशर था. आई थिंक दोज थिंग्स
इट टुक टाइम, एकदम से नहीं हुआ, पहले मुझे फील नहीं हुआ, स्टिफनेस फील फेल्ट एंड देन रॉन्ग मूव, योगा मूव, ठीक है. उसके बाद दो तीन दिनों के बाद मुझे बैक पेन शुरू होगी, स्टार्टिंग टू गेटिंग वर्स, सो वर्स के एक टाइम पे आई वॉज अनेबल टू वॉक. हमने बात की थी उस दौरान में, तो मैं जानती हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ. शोल्डर्स पे प्रेशर, स्टिफनेस, नेक स्टिफ हो गई, माइग्रेन स्टार्ट हो गया, कंसिस्टेंट हेडेक्स शुरू हो गई, वो गई, इंटरमिटेंट हेडेक्स शुरू हो गई. एक के साथ एक लिंक था और समझ में नहीं आ रहा था किस चीज से हुआ, बट इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ थिंग्स, वार्म अप मिसिंग व्हेन डूइंग अ पोस्चर एंड डूइंग अ रॉन्ग पोस्चर without mentorship, hours and hours. Yes, yeah. Not proper when you have your mentor with you and when somebody is there when you're doing a new move, especially jab naya move aap try karte ho, to make sure kisi ki supervision. That's like my lesson learned. Absolutely. So that's wonderful. ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि हम टीवी पे बहुत रेगुलर आने वाले हैं. और मैं जब इंडिया में दिल्ली में टीवी शो करती थी तो पहले एक डिस्क्लेमर आता था कि आप किसी के सुपरविजन में करें, क्योंकि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है. तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है. रॉन्ग पॉस्चर नहीं अडॉप्ट करने, आप लंबे समय तक एक जगह पे बैठे हैं वो नहीं बैठना, क्योंकि आप प्रोलॉन्ग कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है ना, चाहे अच्छी भी है, चाहे आप सही पॉस्चर में भी बैठे हैं, बट एक सेडेंटरी है, आप स्टक हो गए हैं, वो स्टक नहीं होना. अपने थोड़ा टाइम से 2 घंटे के बाद अगर आपको अलाउड है 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना, टेक गो फॉर पी या फिर एक बार घूम के आ जाएं, तो हम कभी एक रेखा गति के बारे में बात करेंगे. बहुत अच्छा मूव है कि आपको चलना भी कैसे है ना. तो अब मैं आपको यहाँ से लेकर आती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो आपके आसपास हो रही हैं और आपकी लाइफ ट्रबल कर रही हैं. जैसे पैम ने बताया कि शोल्डर स्टिफ हो सकते हैं, पैम के साथ एक्यूट हुआ, उसको रुकना ही पड़ा और अपने लिए कुछ करना पड़ा. तो कितने लोग अभी जो देख रहे हैं, अपने लिए आप कुछ करते भी हैं? आई डाउट ही कि आप अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के लिए करना होता है, आपको आपके काम के लिए करना होता है, बट अपनी प्रायोरिटी नहीं है. आप खुद प्रायोरिटी बनाएं नए साल में, एक एक नया लेसन बांध ले अपने साथ, मुझे अपने आप के लिए टाइम देना है. और कितना टाइम आपकी बॉडी, और हम आपको कह रहे हैं 15 मिनट ले लें, तो हमारा शो लगभग 15 मिनट का आप देख के बस उतना टाइम आपको निकालना है जब शो आ रहा है तब, और वरना आप प्रैक्टिस करके. बहुत सिंपल मूव है. ब्रेथ वर्क से हम क्यों शुरू करेंगे, जैसे आप सांस पे ध्यान देते हैं आप अपनी बॉडी के साथ चले आते हैं. तो मैं फिर से वही श्लोक दोहराऊंगी, चले वातम चले चित्तम निश्चल निश्चले भवे. कहने का मतलब क्या है कि जहाँ आपकी सांस होती है ना, वहां पर आपका मन होता है, तो सांस के साथ आपका माइंड मूव करता है. आपने देखा है कभी आप कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, तो आपकी सांस रुक जाती है क्योंकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पे है. तो अभी हम सिंपल ब्रेथ मूव कर रहे हैं जो कि रीकैप है हमारे फर्स्ट फ्यू सेशंस का. तो अपने हाथ थाइस पे रखें, चाहे नीचे चाहे बैक ऑफ द हैंड, जो भी हिस्सा टच कर रहा है. तो दोनों वेरिएशन है, पैम का हाथ ऊपर की तरफ है, पैम का पाम ऊपर की तरफ है और मेरा पाम नीचे की तरफ है. तो हम नीचे प्रेस कर रहे हैं, हथेली मैंने नीचे प्रेस करी हूँ और पैम बैक ऑफ द हैंड को प्रेस करो. तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं आप देखो कि कहाँ पे पता चल रहा है. सो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ पैम से, क्योंकि पैम मेरी को होस्ट है, मॉडल है आज. तो पैम बताइए, आप प्रेस कर रही हैं तो कहाँ पे पता चल रहा है? आई फील टक इन माय स्टमक. एब्सोल्युटली 10/10. तो जो लोग अभी आप कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कहीं पे भी आप बैठ के करें, आपको ऐसे आलती पालती या सुखासन में जरूरत नहीं है. अगर आप बैठ सकते हैं वंडरफुल, नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ जाएं और फिर प्रेस करें थाइस को. दोनों वेरिएशन हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी वेरिएशन जो आपको सूट करती है. जो पैम ने किया है वहाँ से आपके हाथों के फिंगर टिप्स पे ध्यान दें. तो मैं भी फिंगर टिप्स को आगे स्ट्रेच कर रही हूँ. जैसे हम स्ट्रेच करते जाते हैं, सेकंड आपको रिएक्शन मिलेगा. क्या है वो रिएक्शन, पैम बताएंगी? लिफ्ट इन द बॉडी. एब्सोल्युटली 10/10. सो आई लव पैम फॉर दैट, क्योंकि पैम ने काफी समय मेरे साथ योगा करा हुआ है. सो दैट्स, और मैं जब हम लाइव क्लासेस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछती हूँ, सो आई लव फॉर दैट
क्योंकि वो चीज जो होनी होती है वो उसको पता चलता है. तो अभी जितने लोग अभी फील कर रहे हैं स्पाइन में लिफ्ट है, टमी तक है, आई लव यू ऑल, यू नो आई लव ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ओपन टू योर बॉडी टू सी कि आपकी बॉडी क्या कह रही है. तो बस इतना ही. उसके बाद आप नाक के पास अपना ध्यान लेके जाएं, तो ध्यान आपका नाक के पास है और आप सांस ले रहे हैं. तो पैम क्योंकि इतनी पास बैठी है मुझे सुनाई दे रहा है कि सांस की आवाज़ कैसे जा रही है. तो सांस लेंगे और आप मिस नहीं करेंगे, यहाँ पे आप सांस लें और सांस निकालें. तो दो ब्रेथ हम साथ में लेते हैं, सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अब हम क्या करते हैं, रिपीट है, नाक से सांस लेंगे और मुंह थोड़ा सा खोल के टंग को सेंटर में रख के ब्रीद आउट माउथ से करेंगे ताकि आवाज थोड़ी और ज्यादा आए हमको. और हम हमेशा आवाज से कनेक्ट करते हैं. आपको कहीं से भी अभी प्रोग्राम सुनते सुनते, प्रोग्राम देखते देखते आवाज़ आए, आपका ध्यान वहाँ भी जाएगा. तो यहाँ पर हम ध्यान सांस पे लेके जाना चाहते हैं. तो ध्यान हमने नाक के पास किया और सांस निकालते हुए मुंह खोल के एग्जैक्टली. और देखिए अभी प्रोलॉन्ग हो गई, आवाज़ बढ़ गई एंड देन यू सी. तो पैम बताएंगे अभी उनको क्या लग रहा है. एक और ब्रेथ करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि क्या लग रहा है. पैम सिंस शी वॉज डूइंग इट सिंसेरली, मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं नहीं कर रही हूँ बट पैम कर रही है, सारा ध्यान ब्रेथ वर्क पे है. तो अभी पैम बताएंगे कि क्या लग रहा है पैम आपको. प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग आउट व्हेन आई एम ब्रीदिंग लव यू अगेन. सो इट विल प्रोलॉन्ग योर ब्रेथ, सिंपल. सो जैसे लंबी सांस होती है ना, हम मानते हैं हमारा जो देसी कल्चर है और हम जानते भी हैं कि आपको सांसें गिनती की मिली है. अभी सांसों में ही आप इतना लंबा समय लगा रहे हो. जैसे टॉर्टोइज है, कछुआ कितने सालों साल जीता है, 500 साल, 1000 साल. कुत्ता कम साल जीता है क्योंकि उसका ब्रेथ देख लीजिए. तो सांसें आपको पूंजी जो है वो गिनती की मिली है. जिसने खर्च करके उड़ा दी जल्दी खत्म हो जाएगी, जिसने संभाल के ऐसे प्रोलॉन्ग करी. और जब आप कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला काम करते हैं सांस रुक जाती है, जैसे सुई में धागा डालना, कोई आर्ट वर्क करना, तब रुक ही जाती है, तब आप वो पूंजी खर्च ही नहीं कर रही, यू आर सेविंग इट इवन मोर. तो ये था ब्रेथ वर्क. एक रीकैप है, नाक से सांस लेंगे, मुंह खोल के टंग बीच में करके उसे सांस निकालेंगे, आवाज को सुनेंगे, एयर पे ध्यान देंगे कि जो प्राण अंदर जा रहे हैं आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं. और ब्रेथ और प्राण थोड़ा अलग है, 5 तरह के प्राण होते हैं पर उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर लिंक है चीजें. अब हम जा रहे हैं बैक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. आपने एक बात हमने करी, एक छोटा छोटा ब्रेक लें, ब्रेक में आप चलें, बॉडी चेंज करें, बट ब्रेक में और क्या कर सकते हैं. सो वील डू ट्विस्टिंग और फिर पैम हमें वॉल के साथ पॉस्चर दिखाएंगी कि आप वॉल से कैसे यूज कर सकते हैं. बाहर अच्छी सी स्नो हो रही है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम आप नेक्स्ट मूव मिस नहीं करोगे जैसे हम आपको स्टेप्स देंगे. सो फर्स्ट इज ट्विस्टिंग. तो दोनों हाथ आप चेस्ट के पास ले आए, एल्बो और रिस्ट अलाइन कर दें. और अभी ध्यान दोनों रिस्ट पे है कि दोनों रिस्ट बाहर की तरफ जा रही है. तो पैम बताएंगे, पैम दोनों रिस्ट बाहर की तरफ जा रही है, इसका रिएक्शन कहाँ पे है और कैसा है. इट्स लाइक अ लिफ्ट राइट इन द बॉडी. हाँ हाँ. And tucking in the stomach. Right. And that could be something more. Yeah. Tell me. And shoulders. Absolutely. Ten on ten. Absolutely. तो तीन चीजें थी. जैसे आप elbows की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी दोनों elbows बाहर जा रही है और आपका wrist और elbow 90 degree पे, जैसे सीधा 180 का angle बना हुआ है हमारा. वहां से tummy अंदर लगता है, spine ऊपर जाती है, कंधे जो है shoulder के पीछे का भाग पीछे जाएगा. तो वो आप मिस नहीं करोगे, ये थ्रू आउट मेंटेन कर लिया. फिर हम दोनों जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे. पर कैसे, अभी रुकेंगे. जैसे मैं बता रही हूँ आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हमने पिछली बार भी किया था. तो ट्रंक ये है आपका लेफ्ट साइड, तो लोअर मिडल एंड अपर हम बोलने वाले हैं. तो एक एक पार्ट पे आप डिटेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं. तो लेट्स गो डीप इनटू इट. तो बस ये हम एक सिंपल मूव कर देंगे. मैं क्या देख रही हूँ कि स्टॉपवॉच की हमारा टाइम है हमारे पास 5 मिनट और. तो अभी हम जाते हैं ट्विस्ट करते हैं, एल्बोज बाहर, रिस्ट बीच में सेंटर में प्रेस करें. देन यू आर गेटिंग द रिएक्शंस ऑन
टमी शोल्डर्स एंड स्पाइन, फिर लोअर पार्ट को ट्विस्ट करें टूवर्ड्स, सो मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लोअर रुक जाए बिकॉज यू हैव लिमिट, स्टे विद इन द लोअर दोज लिमिट्स, फिर मिडल पार्ट राइट से लेफ्ट की तरह, फिर अपर, नाइस एंड देन स्टे देयर। तो अभी मैं रुकती हूँ और मैं पैम से पूछ, ब्यूटीफुल, तो पैम खुद ही एडजस्ट कर रही है बीच बीच में क्योंकि इन्हें पता है। तो यहाँ पे हमारा वेट एक बटक से दूसरे बटक में इजीली जाएगा, तो जैसे लेफ्ट बटक में आपको पैम ज़्यादा वेट दिख रहा है तो वहाँ से वेट मेंटली खींच के राइट मेंटली खींच के राइट में लेके आना है। तो इतनी डिटेलिंग आप करेंगे तो घर में चाहे 10 लोग बात भी कर रहे हो ना, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। आपका ध्यान, जैसे एक रिलेशनशिप होती है ना आपकी किसी के साथ, तो आप दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ होता है। सो दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप यू आर फॉर्मिंग विद योर बॉडी, तो वो एक अच्छी बात है। आप धीरे धीरे वापस आएंगे, अपर मिडल और लोअर, अपर मिडल एंड लोअर वापस ले आए, एंड देन हाउ इज द फीलिंग, आपके लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है, राइट साइड में क्या लग रहा है बताएं। आई फील ओपनिंग इन माई लेफ्ट साइड, या एंड लेफ्ट साइड इज फीलिंग लाइटर, इट्स मोर स्ट्रेच्ड। लेट्स क्रिएट द सेम ऑन योर राइट साइड एज वेल। तो जो हम लेफ्ट साइड में करते हैं वो हम राइट साइड में भी करते हैं। अगर हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हम बैकवर्ड भी करते हैं, जो हमने फर्स्ट डे पैम के साथ शो किया था और हमने रूल्स बताए थे, दिस इज वन ऑफ दैट रूल्स। और हम हर बार रूल्स रिपीट करेंगे क्योंकि शायद आप आज ही जुड़े हमारे साथ, एक तो आपका वेलकम है, दूसरा वो रूल्स रिपीट हो जाएंगे। सो अगेन पाम्स टुगेदर, प्रेसिंग योर पाम्स, अपने पाम्स सेंटर में करेंगे और एल्बोज बाहर की तरफ खींचेंगे। मेंटली आप खींच रहे हैं और देखें फिजिकली आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। फिर वहां से आप डिवाइड कर रहे हैं राइट साइड 3 पार्ट्स में, लोअर पार्ट लेफ्ट से, लेफ्ट लोअर से लेफ्ट राइट में जाएं, लोअर राइट में जाएं, देन मिडल से मिडल में जाएं, एंड देन अपर से अपर में जाएं, एंड स्टे हियर। तो अभी हम देख रहे हैं कि हाथ सेंटर में है क्या, पता करें। फिर देख रहे हैं कि एल्बोज बाहर जा रही हैं क्या, पता करें। फिर देखते हैं कि एक पटक से दूसरे पटक में वेट जा रहा है तो कहाँ ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा से कम वाले में, क्योंकि बैलेंस होएगा जब आप ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे या कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, पता चलेगा आपको। सो दैट्स बीइंग डन, जो दिख रहा है, एंड देन यू रिलैक्स योर शोल्डर्स, हाँ और रिलैक्स कर देंगे, और रिलैक्स कर देंगे, तो यू लिटरली रिलैक्स योर शोल्डर हियर। तो मेरे बॉडी का डिफॉल्ट है कि कभी मैं क्लंच कर लेती हूँ शोल्डर, जैसे हम डरते हैं तो ऐसे पूरी बॉल बना लेते हैं, सो समटाइम बॉडी डज दोज डिफॉल्ट्स, वो प्ले करती है। तो आपने पूरा एज अ साइंटिस्ट बॉडी के अंदर रहना है और वो बात, बॉडी से बात करनी है, बॉडी की बातें सुननी है और वो करेक्ट करना है, एज अ लाइक बेस्टेस्ट रिलेशनशिप जो फ्रेंड्स में होती है। वापस आएंगे फ्रेम, लो अपर मिडल एंड लोअर, एंड देन योर बैक, वापस आते हैं और देखते हैं कि जो लेफ्ट में क्रिएट हुआ था क्या वो राइट में भी क्रिएट हुआ है। यस, प्रीटी मच सेम, या प्रीटी मच सेम। तो हमने आपको बताया 3 चीज़ें, ब्रेथ पे ध्यान दो, ब्रेक लो, और ये ट्विस्टिंग जो कि स्पाइन को ठीक करती है, आसपास के जो भी मसल्स है ना, कई लोगों की कड़क कड़क की आवाज़ आएगी क्योंकि वो जैम्ड थी। पैम क्योंकि रेगुलर योगा कर रही है सो आई कुडंट हियर एनी कड़क कड़क, बट फिर भी आपकी बॉडी खुलती है, जो पैम के शब्दों में पैम ने बताया। अब पैम हम बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, कैसे, बहुत सटल है, तो हम दीवार वॉल वाला पोज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दैट, अभी हम देखते हैं कि आपको कैसा दिखता है, बट लेट्स ट्राई इट, ठीक है। तो दोनों आपके पाँव दीवार पे जाएंगे और आप, हमने जैसे आपको बताया कि आप सपोर्ट लेके बैठे तो ज़्यादा देर बैठा नहीं, ओके। तो दीवार के साथ आप ऐसे अपना साइड बॉडी लगा देंगे ताकि पूरा बटक आपका साइड में हो, तो धीरे धीरे आप एक पांव ऊपर लेके जाएंगे, एंड अदर लेग, एंड देन दिस इज हाउ यू स्लीप। अभी जैसे आपको ये जो इन्वर्शन है वो पूरा आपको, एक तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पर, बैक में जा रहा है, तो जो प्रॉब्लम होती थी हमें कि ब्लड हार्ट की तरफ जाना मुश्किल रहता है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है नीचे, और आपका हार्ट पंप कर रहा है, उसको पंप है हार्ट ना, तो वो पंप कर रहा है ऊपर अपनी तरफ, तो अभी एक तो वो इजी होगा, तो ये जो पॉस्चर है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। अनदर,
जो हम कर रहे हैं अभी आप सॉक्स पहन के कर सकते हैं, बिना सॉक्स से कई बार सर्दी होती है, अब यू कैन नॉट अफोर्ड टू, तो आपके ऊपर है। तो उस हम हिमालयस में करते थे तो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है, तो मैं टाइम टू टाइम अपने जो योगा सेंटर है हिमालयस में वहाँ जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ हम खूब सारे कपड़े पहन के सॉक्स पहन के करते हैं, तो अगर आप सॉक्स देख रहे हैं देयर इज अ पर्पस ऑफ दैट। तो अभी पैर बेंड करेंगे, यहाँ से आप नीज फोल्ड करते हैं और पैरों को पुश करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि नी और बटक्स इन लाइन है क्या, नहीं है तो हम पीछे जा रहे हैं, तो थोड़ा पीछे वॉक करेंगी मैम, और फिर वहाँ से पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बस आपने ये देखना है कि पैर दोनों दीवार पे, अगर आप पहले वाला 90 डिग्री रखें पैर और ब्रीदिंग करें, जो ब्रेथ वर्क हमने शुरू में बताया था, तभी भी पर्पस सॉल्व है, आपको पूरा बेनिफिट देगा वो। बहुत सिंपल पॉस्चर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अभी पैम ने दो बार ब्रेथ करी है और सिचुएशन कंडीशन लाइक आपकी रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, सारा ध्यान यहाँ जाता है, पेट अंदर जा रहा है, फिर एंड स्टमक बेसिकली योर बैक, यू टेंड टू कीप मोर प्रेशर ऑन योर हेड, बट व्हेन यू ब्रीद इन आपकी बैक ऑटोमेटिकली फ्लोर पे आ जाती है। एग्जैक्टली तो पैम कह रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से, जब आप ब्रीद इन करते हो ना तो पेट जो अंदर जाता है ब्रीद आउट के टाइम पे, वो बैक को नीचे लगा देता है और वो बैक इतनी रिलीव फील करती है कि उसको सपोर्ट है। तो बेसिकली बैक को हमने सपोर्ट देना है, क्योंकि एक नेचुरल आर्च है उसमें ना, कर्व है, तो वो सपोर्टेड नहीं रहता। यहाँ पर आप मैक्सिमम सपोर्ट दे रहे हैं, अब यहाँ पर आप बहुत ही स्लोली पाम्स को प्रेस करेंगे अपने और बटेक्स को ऊपर रेज करेंगे। पैरों को प्रेस किया, पाम्स को प्रेस किया, फीट के सोल्स और पाम्स के सोल्स दोनों प्रेस करते करते आप लोअर बैक उठा रहे हैं। तो लोअर बैक से शुरू करेंगे, बटेक्स से शुरू करेंगे, फिर लोअर बैक पे जाएंगे, फिर मिडिल बैक पे जाएंगे, और वहाँ से धीरे धीरे आपको जो रिलैक्सिंग पैम आप काफ़ी दिनों के बाद आ रही है तो थोड़ा कम करेंगी, तो आपने अपना स्टेमिना अपने आप को, क्योंकि आप बिल्कुल सही लड़की हमारी हो गई है, बहुत अच्छे से लाइक शी हैज कम हियर, क्योंकि चैलेंज लेती है इतनी, जब बॉडी रुक जाए उसके बाद भी आप अपने वर्ड्स को निभाएं वो बड़ी बात है, पर पैम को एडवाइस हम देंगे थोड़ा कम करें। तो आप अपनी बॉडी से पूछेंगे कि कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं ये नई चीज़ मुझे डरा तो नहीं रही, थोड़ा कम करें। यहाँ पे नीचे पिलोज रख लें, कुशन्स रख लें, कहीं आपके मन में अगर डर है तो ऐसे कर लें। पैम ने ब्लॉक रख ली है, तो इंटेलिजेंट जैसे ब्लॉक रखते हैं ना, तो वो सारा जो यहाँ स्ट्रेस या टेंशन था या नेक में जो स्ट्रेस था वो चले जाता है, वो रिलीव हो जाता है। तो सिंपल पॉस्चर है, शोल्डर के लिए अच्छा है, नेक के लिए अच्छा है, बैक के लिए अच्छा है, लेग्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, इन्वर्जन है तो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। तो अब वापस कैसे आना है, आप यहाँ पर जितनी देर चाहे रुक सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, पर टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे। सो आई विल आस्क हर टू कम बैक। तो हम वापस कैसे आते हैं, अगर जो आपने कुशन्स रखे हैं आप वैसे वापस से लोअर बैक ऊपर उठाएंगे, यू विल गेट रिड ऑफ दोज कुशन्स, आई लेट हर डू इट, क्योंकि आपने खुद करना है। तो आप वो ब्लॉक हटा दें, कुशन हटा दें और फिर अपर बॉडी पहले लेके आएँ। तो एक रूल हमारा ये था कि रिवर्स ऑर्डर में वापस आना होता है, अपर बॉडी बाद में गई थी तो वो पहले नीचे आएगी, अपर बॉडी नीचे रखें, वन वर्टिब्रा बाय वन, फिर मिडिल बॉडी नीचे रखें और फिर लोअर बैक नीचे रखें। तो ऊपर से मिडिल फिर नीचे, और वर्टिब्रास को फील करें कि क्या हो रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप शोल्डर रिलैक्स करते जाएं आराम से, और आराम से शोल्डर रिलैक्स होंगे, फेस रिलैक्स होगा, सो काइंड ऑफ फेशियल योगा फॉर यू विच एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन। तो और जैसे आप वापस आते हैं तो हम पूछेंगे कि बैक में कैसे लग रहा है, मोर रिलैक्स, लेस स्टिफ, राइट, सो मोर रिलैक्स लेस स्टिफ। तो एक ही बार करने में ऐसे लगा क्या, ये मिराकल्स है, एक ही बार में आई गारंटी यू, हम गारंटी वर्ड यूज नहीं कर सकते बट स्टिल आई गारंटी यू वो मेरी को आई फील काइंड ऑफ ओपनिंग या इन द बैक फॉर श्योर। तो आप अपने लिमिट्स में रह के करें, 2 मिनट 5 मिनट, इफ दैट्स योर लिमिट 1 मिनट, गो फॉर योर लिमिट एंड देन कम बैक एंड डू इट अगेन, दैट्स इट। तो अब हम वापस कैसे आते हैं, दोनों पैरों को एक एक करके नीचे रखते हैं, सो वन फुट डाउन,
अदर फुट डाउन, देन राइट नी को अपने चेस्ट के पास ले जाएं, सॉर्ट ऑफ हग इट, रिलैक्स इट. तो आप इसमें ज़्यादा रिलैक्स करें, दोनों कंधे नीचे रखेंगे यहाँ पर भी और वापस रख देंगे, दूसरे पैर से करेंगे ऐसा ही. तो ये सेफ तरीका है. कोई भी इतना रिलैक्सिंग पोस्चर करने के बाद भी आपने बैक को सेट कर दिया, आपने अपने आप को सेटल डाउन कर दिया, आपने अपने आप को प्यार ब्लेसिंग्स वो दी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड सेट करते. तो इट्स लाइक माइंड सेट योगा आप बोल सकते हैं कि हर चीज़ में आप अपने आप, जब आपने अपना टाइम निकाला ही है 25 मिनट्स, हाफ एन आवर, 15 मिनट, एटलीस्ट बी यू नो बी विद योर बॉडी. दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज, कि आप अपनी बॉडी को टाइम दें. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पैर से एक साथ रखेंगे चेस्ट की तरह, एंड देन वील टेक अ टर्न टूवर्ड्स वन साइड. तो राइट साइड में जनरली हम टर्न करते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो लेफ्ट पे बर्डन नहीं आए, बट जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं. आपकी बॉडी इंट्यूटिवली आपको बताती है. कई लोगों का ब्लड प्रेशर ही लो होता है तो वो लेफ्ट में जाएंगे ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली. तभी हम कहते हैं कि लिसन टू योर बॉडी. तो पैम धीरे धीरे वापस आएंगे. वैन एवर शे, इसके बाद ऐसा लगता है कि 2 मिनट आप यहीं रुकें, आप ब्लेसिंग्स फील करें, आप थैंक यू बोलें. तो अभी समय है पैम थैंक यू बोलने का. थैंक यू सो मच फॉर यू नो बीइंग माय मॉडल. और इतना अच्छे और अपना इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बारे में हमें बताएं, फोन करें स्टूडियो में अभी या जब भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपको कैसा फील हुआ. कई लोग तो रेजोनेट कर रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद योगा और माइंडफुलनेस और वो एक जज्बा की ठीक होना है मुझे, वो आपको वापस ले आता है. शी वॉज लिटरली बेड रिडन. तो वो आपको लगता नहीं था मैं ठीक होंगी. सी लाइक ये बोल रही है और मुझे इतनी खुशी हो रही है. तो हम खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे भी सुनना चाहते हैं. आप प्रियंका, योगिनी प्रियंका साइन ऑफ करती है, टाइम है और हम लोग आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच.